हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए 40 साल बाद नया डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। नए प्लान के मुताबिक राजधानी के 17 ग्रीन एरिया में आवासीय भवन बनाने की छूट मिल सकती है। शिमला शहर के लिए 40 साल बाद नया डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के बचत भवन में नए डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी किया और अब नए डेवलपमेंट प्लान पर आपत्तियां व सुझाव लिए जाएंगी। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 40 साल बाद शिमला शहर के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है। 1989 में शिमला का अंतरिम डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था, जिसके बाद आज तक कोई भी योजना नहीं बन पाई। तक क्षेत्रों में जो है वो टूरिज्म पर्पस के लिए, रिहायश के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए वो कम्प्लीट डिटेल्स जो है वो हमने इस अपने डॉक्यूमेंट में दी है। ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, आम जनता के सुजेशन और ऑब्जेक्शंस के लिए रखा जा रहा है। इन सुजेशंस के बाद सब चीज़ों को कंसीडर करने पर फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो कैबिनेट द्वारा अप्रूव होने पर शिमला की जनता को राहत देने के लिए जो है वो ये प्रयास किया जा रहा है। एनजीटी का हमारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो एनजीटी के खिलाफ हमारी अपील पेंडिंग है, लेकिन ये एनजीटी के ऑर्डर के में ही निहित है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई जाए और उसके आधार पर जो है यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो हों। तो उस दृष्टि से ये एक अपने आप में जो है वो महत्वपूर्ण है कि 40 वर्षों तक जो बन जानी चाहिए थी पहले ही जब एक्ट बना था डेवलपमेंट प्लान, तब से आज तक नहीं बनी। ये ठाकुर जयराम जी की सरकार में पहली बार शिमला डेवलपमेंट प्लान बन करके तैयार हुई है और इससे आम जनता को लाभ होगा। और इसके साथ साथ ही हम बाकी शहरों की भी डेवलपमेंट प्लान जहाँ की नहीं बनी है उन्हें भी फाइनल रूप जो है वो दे रहे हैं, ताकि हम हिमाचल प्रदेश की जो है वो एक रेगुलेटेड जो है वो पॉलिसी हाउसिंग और उसके दृष्टि से जो है बन सके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की दृष्टि से, ताकि प्लांड वे में जो है वो शहरों का निर्माण हो सके। ये हम समझते हैं कि भी आप सब जो है वो इसका अधिक से अधिक जो है वो प्रचार प्रसार भी करेंगे, ताकि शिमला की सारी जनता जो है वो इसमें भागीदार हो सके, जो डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक जो है वो भागीदार बनाया गया है, जो अभी तक नहीं भागीदार बने हैं वो अपने सुजेशन और ऑब्जेक्शंस के साथ जो है वो आएंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो उससे विभाग को भी और आम जनता को भी लाभ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।